एमफिल किया हुआ है मैंने, 7 माह हो गया, तनख्वाह नहीं मिली, घर में राशन नहीं है, रिजाइन देने पे मजबूर किया गया। पंजाब पुलिस का एक एहलकार किसी थाने के हाल में खड़े होकर और हाथ में बंदूक थाम कर वजीर आला पंजाब और आईजी पुलिस पर बरस पड़ा। कहा ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस बनाई जा रही है लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे। बच्चे घर बैठे हैं, राशन नहीं, स्कूल भी नहीं जा रहे। ये बच्चे हैं जिनका दूध बंद कर दिया गया है, घर में खाने को कोई चीज नहीं है, ट्यूशन वालों ने ट्यूशन से हटा दिया है। कांस्टेबल का कहना था कि वजीर आला साहब आपकी पॉलिसियां गलत हैं, आप भी मौजूदा पॉलिसियों के मुताबिक कागजात जमा करवाएं। अगर प्राइमरी टीचर भी भर्ती हो जाएं तो मुझे चौबुर्जी पर लटका दें। वजीर आला साहब आप खुद अपने डॉक्यूमेंट इस पॉलिसी के तहत, एजुकेटर की पॉलिसी के तहत जमा करवाएं। अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर भी सिलेक्ट हो जाएं, जिस मेरिट की आप बात करते हैं, पॉलिसीज की आप बात करते हैं, तो मुझे चौबुर्जी पर लटका दीजिएगा। महकमे तालीम से तनख्वाह मिली ना पुलिस के महकमे से, इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। 4 जगह तबादला किया गया, मुझे एजुकेशन से रिजाइन देने पर मजबूर किया गया। फिर जब मैं वापस आया हूँ ना मुझे वहाँ से तनख्वाह मिल रही है ना मुझे यहाँ से तनख्वाह मिल रही है। वीडियो पैगाम में कांस्टेबल का कहना है कि वो पागल नहीं, एमफिल, एमए इंग्लिश और एमएड है, हर जगह गया हूँ लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एमफिल किया हुआ है मैंने, बाकी मेरी डिग्रीज है, एमए इंग्लिश है, एमए टफल है, एजुकेशन है, बीएड है, एमएड है।